अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज लाई हूँ आपके लिए क्विक एंड ईजी रेसिपी, तड़के वाले चावल जो अमूमन हमारे घरों में बनते हैं और डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ यूज़ होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक देगची ली है और इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ ऐड किया है, आधा कप ऑयल डाला है और इसको मीडियम हीट पर हम फ्राई कर रहे हैं तड़के के लिए। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसके साथ ही इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और मैंने गरम मसाला, साबुत गरम मसाला जिसमें काली मिर्चें, बादियान का फूल, दालचीनी, लौंग, गोल लाल मिर्चें ऐड की और 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया है। इसको हम फ्राई करते हैं हल्का सा और देखिए हमारा फ्राई हो चुका है, इसका कलर आ चुका है गोल्डन सा। अब हम इसमें एक गिलास पानी ऐड करेंगे। इसको हमने तड़का लगा लिया और 2.5 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें नमक ऐड किया क्योंकि मेरे पास 2.5 गिलास चावल थे, साथ ही मैंने 4 गिलास पानी और ऐड कर दिया। ये चावलों के डबल हम पानी ऐड करते हैं पुराने चावल जो। अब इसको मैं कवर करके उबाला आने के लिए रख देती हूँ। 5 से 10 मिनट में उबाला आ जाएगा और ये देखिए हमारा उबाला आ चुका है। अब मैंने चावल 2.5 गिलास जो हैं 15 से 20 मिनट पहले साफ़ करके भिगो के रख दिए थे, इनका पानी निकाल लेते हैं, ड्रेन आउट कर लेते हैं। और ये चावल मैं अब इसमें डाल रही हूँ पानी में और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उबाला आने देंगे कि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए मीडियम हीट पर। और ये देखिए इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और ये देखिए थोड़ा सा पानी रह गया। अब हम ये हमारे चावल दम के लिए तैयार हैं। तो मैंने साथ दूसरा चूल्हा ऑन किया और इसके ऊपर तवा रख दिया है प्री हीट के लिए ताकि हम उस पर दम दे सकें। और मैंने साफ़ी से ढक्कन को कवर किया और इसको मैंने दम के लिए रख दिया चावलों पर। और ये देखिए हमने अब इसको तवे के ऊपर रख दिया है और हम इसको लो हीट पर 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। इसके ऊपर कुछ भी रख दें आप वजनी चीज़ ताकि दम अच्छे से आ जाए। और ये देखिए 10 मिनट बाद हमारे चावलों का दम आ चुका है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, एक एक चावल अलग अलग दाना, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और ये मैंने डिश आउट किया है, 5 से 6 लोगों में सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।